कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत गत 11 अगस्त को स्कूटी सवार विवाहित लड़की पर हुए एसिड अटैक मामले का पुलिस ने गहन जांच के बाद खुलासा कर दिया है। वारदात के समय पुलिस ने लड़की की शिकायत पर उसकी सास व देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन मामले में चौंकाने वाला वाक्य यह रहा कि पुलिस की गहन जांच के दौरान सामने आया कि लड़की पर एसिड अटैक योजनाबद्ध तरीके से उसके पिता व पिता के कुछ साथियों ने ही किया था। पुलिस ने पीड़ित लड़की के पिता व उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और बाकी दो आरोपियों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। कैंप थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि पलवल सिविल लाइन कॉलोनी निवासी पूजा पुत्री रामवीर ने गत 11 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई कि वह मूल रूप से गांव नांगल ब्राह्मण के रहने वाली है। पूजा की शादी गत 2 फरवरी वर्ष 2013 को अहलादपुर दिल्ली निवासी अमित के साथ हुई थी और शादी में पूजा के पिता ने हैसियत अनुसार दान दहेज भी दिया था। पूजा ने बताया कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त है और जिस समय उसकी शादी हुई थी तो शादी से पहले उसके मायके वालों से झूठ बोला गया था कि लड़का यानी कि अमित DSP के पद पर कार्यरत है, लेकिन शादी के बाद पता लगा कि शादी झूठ बोलकर की गई है। इसके बाद पूजा के ससुराल वाले व मायके वालों के बीच कहासुनी चलती रही। इसको लेकर पूजा ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस डाला हुआ था जो जिला पलवल की गौरव खटाना की अदालत में विचाराधीन है। 11 अगस्त को पूजा स्कूटी पर सवार होकर अपने मायकों वालों के साथ जिला अदालत में अपनी तारीख पर गई थी। पूजा ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने पहले भी कई केस उसके खिलाफ झूठे डाले हुए हैं और पूजा द्वारा दर्ज कराए केस को समाप्त करना चाहते हैं। उसी की रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अदालत से तारीख के बाद पूजा स्कूटी पर सवार होकर अकेली पलवल आ रही थी। जब वह NH2 पर धोलागढ़ मोड़ के समीप पहुंची तो पीछे से कार में सवार होकर कुछ लोगों ने पूजा पर पीछे से एसिड डाल दिया। पूजा ने बताया कि कार में उसका देवर मन्नू, सास कमलेश, एक रिश्तेदार सतीश सवार थे और चालक व एक अन्य व्यक्ति को वह पहचान नहीं पाई। इस मामले में पुलिस मामला दर्ज कर पूजा के देवर मन्नू व सास को कमलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जो फिलहाल जेल में ही है। पुलिस अधीक्षक सुलोचना गजराज ने इस मामले में SIT का गठन किया और गहन जांच करने के आदेश दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि CCTV व CDR की जांच के दौरान पूजा के पिता रामवीर पर शक हुआ। पुलिस ने रामवीर को गिरफ्तार किया, जिसने गहन पूछताछ में बताया कि पूजा के ससुराल पक्ष ने उन पर कई प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं, जिनसे वह परेशान हो गए हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने योजना बनाई, अपने कुछ साथियों को साथ लेकर एसिड का इंतजाम किया। गत 11 अगस्त को कोर्ट से तारीख लेने के बाद पूजा जब स्कूटी पर सवार होकर निकली तो रामवीर पहले से ही NH2 पर धोलागढ़ मोड़ के समीप खड़ा हो गया और पूजा की स्कूटी को देखते ही उस पर तेजाब डाल दिया, पर रामवीर का एक साथी बलवंत पूजा को बाइक पर सिविल अस्पताल ले गया। इस मामले में पुलिस ने पूजा के पिता रामवीर व उसके साथी बलवंत व शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और बुधवार को उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से शिव कुमार को न्यायिक भेज दिया गया है। ग्यारह 17 को कंप्लेंट हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि GT रोड पे एक लड़की के ऊपर तेजाब डाल दिया गया। इस संबंध में जो उसकी कंप्लेंट के ऊपर FIR लॉज की गई और उसमें जो साक्ष्य सामने आए उस आधार पे और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसमें बाइने में FIR लॉज थी और साक्ष्य इस प्रकार के थे। तीन आधारों पर उसकी सास और देवर को गिरफ्तार किया गया था। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो इसमें एसपी साहब की तरफ से SIT का गठन किया गया, जिसमें मैं भी था और SIT ने गहनता से बड़े ही माइनॉरिटी सूक्ष्म एक एक चीज़ को देखते हुए इसका अध्ययन किया और इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाया। तो जो CDRs हैं, CCTV फुटेज कलेक्ट की गई और जो फिजिकल एविडेंस दूसरी हैं वो कलेक्ट की गई और सबको जोड़ के और फिर देखा गया तो ये मामला संदेह के दायरे में आया और इसको और गहनता से जांच की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन में जब जिन लोगों पे संदेह हुआ उन लोगों को जब अच्छे से पूछताछ की गई, उनको इंटरोगेट किया गया तो मामला झूठा पाया गया और पीड़ित पक्ष की तरफ से ही ये मामला झूठा षड्यंत्र के तहत दर्ज करवाया गया था दबाव बनाने के लिए अपने ससुराल पक्ष पर। इसमें मुकदमे चले हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, उन मुकदमों में दबाव बनाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था। इसमें जो लड़की है उन्हें शिकायत दी थी अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दी थी। इसमें तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक लड़की का पिता है और एक बलवंत है और एक शिव कुमार। शिव कुमार को एक दिन जुडिशल भेज दिया गया है और जो लड़की का पिता है उसको और जो दूसरा है बलवंत उनको पुलिस रिमांड पर लिया गया है एक दिन के।